क्या हुआ? क्यों अपसेट लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, दर्द है बस पेट में। जरूर कोई बड़ी बात छुपा रहे हो तुम मुझसे, तभी तो हमेशा इसी टाइम पेट में दर्द होता है तुम्हारे। I swear भाभी, कभी कभी ऐसे लगता है आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। हाँ तो बेस्ट बड्डी हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें और कोई जान भी नहीं सकता। अब बताओ पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे? अब ओए जंगली कबूतर, कहाँ मरे हुए हो तुम? अरे क्या फिल्म चल रही है तुम्हारे घर में? किस खुशी में भैया डिनर करवा रहे बिट्टू आपा को? ये तुम किस टोन में बात कर रही हो? 80 से फोन काट दिया? ये तुमसे इतनी फ्रैंक क्यों हो रही थी? आप उसे छोड़े, मेरी बात गौर से सुने। चाची जल्दी आए, छिपकली घुस गई अम्मा के वार्डरोब में। भी अम्मा की तो जान निकल जाती है छिपकली को देखे। अस्पी चलो। एक तो इस घर में बैठ के कोई सुकून से बात ही नहीं कर सकता। देवर जी तुम्हारे नखरे भी उठा लेंगे, सारी जिंदगी पड़ी अब चलो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहाँ छिपकलियाँ भी माननी पड़े घर की। चुटकी भी अम्मा कमरे में? नहीं वो तो नहीं है, छिपकली देखकर फौरन भाग गई। लो जी चलो। कुछ चाबी वाला गुड्डा है आपका भतीजा। कौन, अस्फी? तो और कितने भतीजे हैं आपके? फराज भी तो है। वो तो अल्लाह मियां की गायें, तभी तो उंगलियों पे नचावे ने दापी ने अपने मियां को भी और अपने देवर को भी। क्यों इतना चिढ़ती हो तुम निदा से? कितनी बड़ी है वो तुमसे, उसी ने पाला है तुम्हें और अस्फी को। पाला होगा, लेकिन 5 साल पहले जो उन्होंने किया था ना मेरे माँ बाप के साथ अपने ससुराल वालों के लिए, बहुत दिल टूटा था मेरा। अगर ऐसा ना करती तो उसका घर खराब हो जाता। मेरे माँ बाप का जो दिल खराब हुआ उनकी वजह से, उन्होंने जो हरकत की थी, पूरे 2 दिन बाबा हॉस्पिटल में रहे थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरा और अम्मी का क्या होता? भूल जाओ ना पुरानी बातों को, मानो सिवाय बदगुमानी और नफरत के जहर के और कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बात हुई अस्फी से? कहाँ बात हुई, उसकी भाभी जो चिपक के बैठ गई उसके फोन के साथ। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतना शौक क्यों होता है दूसरों की चीजें यूज करने का। दूसरा नहीं है, अस्फी है तो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है वो। अजीब ही कोई मोहब्बत है ये वैसे, जो अपने माँ बाप और खूनी रिश्तों के लिए जागती नहीं है लेकिन बाकी सारी दुनिया के लिए जाग जाती है। तो वो भी तो हर मुश्किल में चट्टान बन के खड़ा हो जाता है ना उसके लिए। रहने दे, सब यूज करें उन्हें अपने माँ बाप के खिलाफ, जानती हूँ मैं। चुटकी शोर क्यों मचा रही हो यार? एक छिपकली तो है, कौन सा कोई जिन है जो चिमट जाएगा तुमसे? चुटकी नीचे उतरो बेटा बेड से। नहीं मैं नहीं उतरूंगी, पहले चाचू छिपकली मारे। बेटा मार के ना तुम्हारे हाथ में ही पकड़ाऊंगा, डोंट यू वरी। अरे छी मैं क्यों पकड़ू? जल्दी करो अस्फी, एक छटांग भर की छिपकली ढूंढी नहीं जा रही तुमसे। इस छटांग भर की छिपकली ने ना आपके और आपके पूरे खानदान का खून खुश किया हुआ। कहां भर गई बख्त? अरे ये मानो की तस्वीर है ना, इसने सर पे गोटे वाला दुपट्टा क्यों पहना हुआ? दिखाओ मुझे, मुझे भी देखनी है। ये किस इवेंट की तस्वीर है? तुम्हारी और मानो की मंगनी की। जोक जोक तो नहीं है, सच में तुम दोनों की मंगनी की है। ये मेरी मंगनी? ओहो कहाँ ले गए जलेबी चुक्के, इस तरह की बूथियां क्यों बनाई हुई है तुम सबने? कुछ नहीं चची, आसी पूछा था ये पिक्चर कब की है। ओ 15 साल पहले मत मारी गई थी हमारी शरीके के साथ दूजी शराकत दारी करने के लिए सोचा था हमने। नहीं आपको भी जो ये आदत है ना जलेबी की तरह बात को घुमा के करने की, प्लीज साफ साफ बताए क्या है ये? साफ 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 बात ये कि तेरी मंगनी की थी हमने मानो के साथ। मेरी और मानो की? दिमाग ठीक है आप लोगों का? अब ठीक हुआ है अल्लाह के फजल से। इस वक्त तेरे पियो को बुखार चढ़ा हुआ था, पायन शुजा का बोझ हल्का करना है। वो तो जब जायदाद का कट्टा खुला तो सारे रिश्ते डेड एंड। हाय इतनी क्यूट क्यूट अंगूठियां थी निकी निकी सी, तेरी अभी भी संभाल के रखी हुई है मैंने। है दफा दू, मैं ये बताने आई थी
कि मुनीर जी ने कल शाम 4 बजे बिट्टो के रिश्ते वालों को बुलाया। बी रेडी। जी चाची। चिपकली चाची असल जोक तो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। चले मेरे साथ बाहर चले। मगर चाचू छिपकली कौन मारेगा? बेटा फिलहाल मेरी मत मारी गई है। चले